आज आपका भाई सभी भाइयों के साथ मिलेगा, करेगा गोवर्धन पूजा। सभी भाई मिलके आज गोवर्धन जी को बुलाएंगे, मनाएंगे और उनका पाठ करेंगे, उनका जाप करेंगे। सभी भाई वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। जय श्री कृष्णा। आज गोवर्धन पूजा का जो पर्व है, हमारे हिंदुओं का बहुत बड़ा पर्व है। हमने आज इसको बहुत धूमधाम से मनाया है। गोवर्धन पूजा वाले दिन हमने अन्नकूट का प्रसाद बनाया है, जो कढ़ी बनाई है उसमें सभी प्रकार की सब्जियां डाल के अन्नकूट का प्रसाद बनाया है। और सभी भाइयों ने हर्षोल्लास से, पूरी फैमिली ने आज जो प्रोग्राम किया है हर्षोल्लास से किया है। आशा करता हूँ मैं सब मतलब जिस प्रकार का जो उन्हें ये प्रोग्राम हमारा कार्यक्रम है, सभी बहुत धूमधाम से मनाए। श्री कृष्ण जी के क्यों जो पर्व है, बहुत बड़ा पर्व है गोवर्धन पर्व, गोवर्धन पूजा का बहुत बड़ा पर्व है, इसको तो मनाया जाना चाहिए। उठाकर उसके उपले था और बाकी एक खेत आदि में डाल देते हैं। इस दिन अन्न का भोजन बनाकर भगवान का भोग लगाया जाता है, अपने सब अतिथियों सहित भोजन किया जाता है। उत्तर भारत के राज्यों में इस दिन अन्नकूट पर्व भी मनाया जाता है। प्राचीन काल में दीपावली के दूसरे दिन भारत में और विशेषकर ब्रज मंडल में इंद्र की पूजा हुआ करती थी। श्री कृष्ण ने कहा कि कार्तिक में इंद्र की पूजा का कोई लाभ नहीं, इसलिए हम गौ के वंश की उन्नति के लिए पर्वत वृक्षों की पूजा करते हुए न केवल उनकी रक्षा करने की पंडित है। तेरे गले में कंठा साज रहे, घोड़ी पे हीरा लाले, तेरे माथे तिलक विराजे रहे, तेरे कानन कुंडल चमक रहे, तेरे कानन कुंडल चमक रहे। जय कन्हैया लाल की, आदि वाला पाल की, जय कन्हैया लाल की। कच्चा दूध पी रहे, कच्चा दूध पी रहे।
गाइस गोवर्धन पूजा का प्रसाद हमारे आ चुका है हमारे पास, बहुत अच्छा लग रहा है। आना यहाँ पे बेस्ट लगा भाई, गोवर्धन पूजा में आज प्रसाद खा रहे हैं हम। तो फिर भाई आज का प्रसाद एक बार एवन प्रसाद हमेशा एवन ही होता है भाई, नरेंद्र भाई ने खुद बनाया, उनसे पूछेंगे क्या क्या उन्होंने रेसिपी डाली है, कैसे कैसे ये बनाया है, बाकी आप नरेंद्र भाई से पूछवाते हैं कैसे क्या क्या। मेरे आज गोवर्धन पूजा में आके बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा भाई, मस्त मजा आ गया।